हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें जो है सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो है फाइंड आउट करना है। अब सपोज मैंने यहाँ पे टू नंबर्स लिए, 2 एंड 3। अब मुझे जो है सबसे छोटा नंबर जो है फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो जाए 2 से भी एंड 3 से भी। सो मैं क्या करूँगी, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करूँगी कि 2 एंड 3 में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6 है। 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो क्या हो गया, LCM, क्योंकि LCM की फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल है 4, 9 एंड 10 से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका, 4, 9 एंड 10 का। ना हम फाइंड आउट करेंगे LCM ऑफ 4, 9 एंड 10। अब हम जो है LCM फाइंड आउट करते हैं 4, 9 एंड 10। अब आप देखो 4 एंड 10 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, 9 नहीं आता तो एज इट इज 9, 10 आता है 5 पे। अब हम फिर 2 से करते हैं, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पे, 9 नहीं आता, 5 भी नहीं आता। अब 9 जो है किसके टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 पे, देन 5। अब यहाँ पे 3 की टेबल में ही आएगा, ये हो गया 1, 1, 5। अब यहाँ पे बचा 5 एंड 5 जो है अपनी ही टेबल में आएगा, तो आ गया 1, 1 एंड 1। सो LCM क्या हो गया इसका, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, अब हम इन्हें जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब 2 × 2 = 4, 4× 3 = 12 एंड 5 × 3 = 15। अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 0 है, 1 कैरी, 5 × 1 = 5 + 1 = 6, ठीक है, 1 × 2 = 2 एंड 1 × 1 = 1। सो ऐड किया, 180 जो है हमारे पास आंसर आ गया। सो LCM आ गया हमारे पास 180। बट जो LCM है वो क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा नंबर। तो क्वेश्चन में हमें ढूंढना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, बट हमने अभी क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें ये देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, 180। सो अब देखो, ये जो इसका LCM लिया, अब हम देखो इसमें ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, बट 5 का पेयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जब हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखो 5 × 0 = 0, 5 × 8 = 40, 0 है और एंड 4 कैरी, 5 × 5 + 4 = 9। सो 900 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो गया जो डिविजिबल है किन नंबर से, 4, 9 एंड 10 से। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 900। Now the next question is, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. तो सबसे पहले हम क्या find out करेंगे, smallest number, और smallest number find out करने के लिए हमें क्या find out करना है, LCM of 8, 15 and 20. क्यों, क्योंकि LCM means what, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सो सबसे पहले हम जो है फाइंड आउट करते हैं LCM किसका, 8, 15 एंड 20 का।
अब 8 एंड 20 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में 8 का 12 है 4 पे, 15 नहीं आता, 20 आता है 10 पे. अब 4 इन 10 फिर 2 की टेबल में आ रहे हैं. 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 पे, 15 नहीं आता, 10 आता है 5 पे. अब 2 की टेबल में 2 आएगा 1 पे, 15 एज इट इज एंड 5 एज इट इज. अब 15 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 15 कब आता है? 5 पे एंड 5 एज इट इज. 5 एंड 5 5 की टेबल में आते हैं और वो कब आते हैं? 1. सो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ये वाले जो है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे. ओके, अब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ 2 टू ज 4, 4 टू ज 8, 8 3 ज 24. नाउ 24 5 ज 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 4 ज हो गया 20, 5 2 ज 10, 10 प्लस 2 हो गया 12. तो हमारे पास आंसर आ गया 120. बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. हमने अभी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करा. स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम जो है पेयर्स देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पेयर्स हैं. देखो 2 का पेयर है, इधर 2 का कोई पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, 5 का भी कोई पेयर नहीं है. सो 120 को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, फिर 3 से, एंड फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से. अब देखो 2 3 ज 6, 6 5 ज क्या हो गया? 30. सो 120 मल्टीप्लाई बाय 30. अब देखो 0 0 0 0 एज इट इज एंड 12 3 ज क्या होता है? 36. सो 3600 वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो डिविजिबल है बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20. ओके, सो इस तरीके से हम जो है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो है फाइंड आउट करेंगे. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.